हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन कॉलेज फर्स्ट ईयर। एज मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कैरियर इन इंजीनियरिंग एंड मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कॉलेज इन फर्स्ट ईयर। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस दैट हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग कोडिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप जो है अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कैसे कोडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, कोडिंग सीख सकते हैं आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कैसे सीखेंगे, ठीक है, उसके बारे में इसमें वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होने वाला है, और आप अगर छोटा सा भी वीडियो मिस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो ले चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेटिंग अप द योर इन्वायरमेंट, यानी आपको अपने सिस्टम में कैसे अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करना होगा। लर्निंग रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कैसे पोर्टफोलियो बनाएंगे, कैसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आप देख लेंगे कोडिंग हैज़ बिकम एन एसेंशियल स्किल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको जैसे पता होगा कि आज के टाइम पे कोडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल स्किल बन चुका है। आजकल के लोग, हर एक आदमी जो है कोडिंग सीखना चाह रहा है, तो अभी के टाइम में आपके लिए कोडिंग सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चाहूँगा थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जाकर तब कोडिंग सीखूँगा, तो आपके लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आप जो है अगर फर्स्ट ईयर से चाह रहे हैं कोडिंग सीखना, तो आप आसानी से कोडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, अगर अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अगर आप शुरू करते हैं, बहुत जल्दी अगर शुरू करते हैं आप कोडिंग सीखना, तो ये आपके लिए सफिशियंट एडवांटेज देता है। ठीक है, आपको अपने स्टडी के लिए और कैरियर के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप अपने सेमेस्टर का एग्जाम देंगे वहाँ भी आपसे कोडिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना आप पहले से ही सीखना शुरू कर दें, क्यों ना आप कोडिंग पहले से ही सीखना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहेगा अगर आप जल्दी से कोडिंग सीखना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है, ये जो आपको हेल्प करेगा आपको अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, आपको अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप टाइम से पहले शुरू कर देते हैं तो। सपोज आप जाते हैं लेट से शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए समय कम बचेगा। अगर आप शुरू से ही तैयारी कर देंगे, तो आप जो है, जो आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे आप उन सभी के सामने चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा समय दिया कोडिंग सीखने के लिए, और वैसा करके आप जो है अच्छे से अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, चूजिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे अगर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पे सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा। ये तीन लैंग्वेज ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इन सब का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इन तीन लैंग्वेज पे काम करती ही करती है मोस्ट ऑफ द कंपनी। अगर आप देखें 80-90% कंपनी जो होती है इन तीनों लैंग्वेज पे काम करती है, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा। जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि 80% प्लस एरिया को कवर करता है जावा। ठीक है, जावा जो अकेला 80% एरिया को कवर करता है, 80% कंपनीज में जो है जावा यूज़ किया जाता है। आजकल जो है 2 बिलियन प्लस कंपनीज में जावा यूज़ किया जा रहा है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरफ से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं पाइथन सीखना, जावास्क्रिप्ट सीखना या जावा सीखना, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप इन तीनों में से कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले करके सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि PHP, .NET, लारावेल, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसको आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टिंग के लिए, तो स्टार्टिंग के लिए आपको शुरू में सीखने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सा होगा? पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा। ठीक है, पाइथन क्या है? इजी टू लर्न है और वर्सेटाइल लैंग्वेज है एक। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट देखें तो ये क्या है? ग्रेट फॉर वेब डेवलपमेंट। ये यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बनवाना जा रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट। और जावा अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अभी आपको शायद ये पता नहीं होगा क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे आपको मालूम चला है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर उसमें आप जावा सीख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है।
क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है अगर आप जावा सीखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन के, कौन कौन से फैक्टर इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट और आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट और आपका गोल क्या है, उसके बेस पे आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं आप जाएं वेब डेवलपमेंट, उसके लिए क्या सीखेंगे, आप सीखेंगे HTML, CSS, JavaScript, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट सीखने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने के लिए, ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आप क्या सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, जावा सीखेंगे, ठीक है, ऐसे आप .NET सीखेंगे, रिएक्ट सीखेंगे, ऐसे आप सीखेंगे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो आप ये भी देखेंगे कौन से लैंग्वेज मैं सीखूं, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज मैं सीखूं जिसका रिसोर्स मुझे इजीली अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट या पाइथन, इन सबका रिसोर्स बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है, चाहे आप यूट्यूब पे देखें, चाहे आप इनका डॉक्यूमेंटेशन देखें, आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। आगे अगर बात करें हम तो सेटिंग अप योर इन्वायरमेंट, ठीक है, सेटिंग अप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि आपको अपने सिस्टम में प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे IDE होते हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं। आप जैसे नोट पैड में बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे नहीं, कंपनी क्या करती है ना, अलग अलग हमारे लिए एप्लीकेशन बना कर रखी है जिसके अंदर जाकर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें यूज होता है जावा, ये VS Code, यानी वर्चुअल स्टूडियो कोड, VS Code जिसको बोलते हैं, ये यूज होता है। उसके बाद यूज होता है इंटेलिजेंट आइडिया, और उसके बाद जो होता है इक्लिप्स। ये तीन ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए और कोडिंग करने के लिए बेसिकली। ये हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोडिंग करते हैं जा करके, ये काइंड ऑफ एक ऐप है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया तीन IDE बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि आपको लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, आप कहाँ कहाँ से ये सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे एफर्ट प्लस ऐप पे जो है, हमारा एक अपना एप्लीकेशन है एफर्ट प्लस के नाम से, उसमें आपको जावा का मास्टर क्लास मिल जाएगा 1499 में, यानी कि सिर्फ 499 में यू कैन गेट अ फुल मास्टर कोर्स ऑफ जावा, ओके। आप जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैंने आपको सिखाया है कि आप जो है जावा का मास्टर क्लास, यानी आप जावा में कैसे मास्टर हो सकते हैं, वो आप सिर्फ 499 में, यानी कि ₹500 से भी कम चार्ज में आप जो है कंप्लीट जावा कोर्स कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे एफर्ट प्लस की। आप चाहें तो कोर्सेरा से सीख सकते हैं, कोर्सेरा भी आपको एक ऑनलाइन कोडिंग ऑनलाइन जो है कोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, आप वहाँ पर भी जा करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और खरीद पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूडेमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी, वहाँ पे भी जाकर के आप अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई से भी सीख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक फ्री कोड कैम्प, यहाँ पर भी जाके आप अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये जो बेसिकली चारों हैं, ये हमारा एफर्ट प्लस अपना एप्लीकेशन है, और बाकी जो कोर्सेरा, यूडेमी और फ्री कोड कैम्प जो है, ये तीनों जो है आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर हैं। यहाँ पे आप जाते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जा करके आप इन चारों जगह पे आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे जावा मास्टर क्लास को सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ 499 में सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैंड ऑन प्रैक्टिस, आपको जो है देखिए, आप जब भी प्रोग्रामिंग सीखिए तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। आपके लिए प्रैक्टिस जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप दिन पर दिन जाते जाते एक एक चीज़ को भूलते जाएंगे, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने गूगल, आपने जैसे फॉर्म बना दिया, फॉर्म फिल कराए, डेटा को स्टोर किए, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग कोडिंग चैलेंज आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप जब छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी है, आप जब कंपनी जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको तरह तरह के लॉजिक मिलते हैं करने के लिए। आपसे कंपनी बोलती है कि मुझे ये काम करवाना है, इसके लिए आप कोडिंग करो, इसके लिए आप लॉजिक लिखो। तो अगर आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व किए होते हैं ना, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। आप इजीली सोच पाते हो कि इसके लिए कौन सा मुझे अप्रोच लगाना पड़ेगा, कैसे मुझे कोडिंग करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है, आप जो है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कोडिंग कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हैकर रैंक हो गया, उसके बाद हो गया लीड कोड। इन दोनों पे जा करके आप इजीली जो है जा करके कोडिंग कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे वर्जन कंट्रोल की। वर्जन कंट्रोल क्या होता है ना, बेसिकली हमारे कोड को स्टोर करने के लिए, मानिए हमने अपने सिस्टम में अपना प्रोग्राम रखा हुआ है, कल को जा करके हमारा सिस्टम
बंद हो गया, खराब हो गया, फिर तो हमारा कोड सारा लॉस हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वर्जन कंट्रोल का। जैसे गिटहब जो है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वहां पे जाते हैं अपना कोड को मैनेज कर सकते हैं, अपना जो भी प्रोग्राम होगा उसको मैनेज कर सकते हैं। हम चाहे तो अपना कोड उसमें पुश कर सकते हैं, कोड को पुल ले सकते हैं, कोड को मर्ज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं गिटहब पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आप उतना सारा चीजें कर लेंगे ना, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट को डेवलप करना, आप थोड़ा एक हाई लेवल प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक करके। जैसे आपने क्या किया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि कोई कॉलेज है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनके लिए क्या क्या हम क्राइटेरिया रखें कि स्टूडेंट का डेटा जो है इजिली मैनेज हो पाए। ठीक है, वैसे हो गया। चाहे आप कोई कंपनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल है आप उसके लिए कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे ओला है, उबर है, रेपिडो है, इन सभी के लिए जैसे आप जो है ट्राई कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन बनाने की, आप अपने प्रैक्टिस के लिए। ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, उतना ही आप अच्छे से अपना स्किल बढ़ा पाएंगे और आप जॉब जो है इजीली ले पाएंगे। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, अपने प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट दिखाते हैं ना अपने रिज्यूमे में, उतना ही ज़्यादा आपके शॉर्ट लिस्टिंग का चांस बढ़ जाता है। देखिए, आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हमारा जो है जावा के लिए स्पेशली हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जो भी हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम फीचर भी लेके आते हैं, उसका अपडेट आपको सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक में जा करके और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे ऐप को जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप जब हमारे ऐप में जाएंगे वहाँ पे आपको एक मिलेगा जावा मास्टर क्लास। ठीक है, आप उस जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा 499, आप उस 499 को पे करके और जावा मास्टर क्लास में इनरोल कर लेंगे। वहाँ पे आपको डेली एक एक लेक्चर मिलेंगे जहाँ पे आप जो है बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ईजी वे में, अगर आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता ना, फिर भी आपको मैं सिखाऊंगा इतने अच्छे से कि आप जो है बहुत ही अच्छा डेवलपर बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं या उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप हमारे इस वाले ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं हमें। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल है मोबाइल नंबर और ये जो है हमारा ईमेल आईडी है, आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाह रहे हैं हमसे हमारे वेबसाइट पे जाएं, तो ये हमारा ऑफिशियल यूआरएल है, आप इस पे जा करके effortplus.ignisiumedu.com आप इस पे जा करके और हमारा वेब एप्लीकेशन खोल सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है कंप्लीट कोर्स देख पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसमें से जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप उसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।